फाइनली दोस्तों यहाँ पे आईक्यू का धमाकेदार आईक्यू जेड 7 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है और आज की वीडियो में आपको इस स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ। स्किप करते हुए यहाँ पे एक लीड मिल जाता है ब्लैक कलर का, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईक्यू जेड 7 प्रो के मिल जाते हैं, आजकल कोई रीड नहीं करता है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे हमें यूएसबी का टाइप सी डाटा केबल मिल जाता है और नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे हेडफोन देखने के लिए मिल जाता है। इस बार हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्लूडेड दिए गए हैं इसी के अंदर। सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्या प्राइस रहने वाला है, क्या फीचर्स मिल जाते हैं, लॉन्च डेट वगैरह इंडिया के अंदर। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे एक फास्ट चार्जिंग का एडाप्टर मिल जाता है एंड यूएसबी के टाइप सी का पोर्ट के साथ में। एंड स्मार्टफोन में दोस्तों एक डोंगल मिल जाता है, बॉक्स कंटेंट में बस यही मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों हम अपने स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस स्मार्टफोन के सारी चीज़ें, प्राइसेस, लॉन्च डेट एंड स्मार्टफोन में कैसे फीचर्स मिले हैं दोस्तों। तो गाइज स्मार्टफोन की सबसे पहले डिस्प्ले पार्ट से बात करने वाले हैं। डिस्प्ले हमें 6.78 इंचेस का मिल जाता है, वो भी आपको AMOLED डिस्प्ले में मिलने वाला है। एंड ये स्मार्टफोन दोस्तों जो कि आपको पता है 46 mAh की बैटरी मिल जाती है, यानी कि पूरे 4600 mAh की बैटरी। एंड ये स्मार्टफोन में 8GB के साथ 128GB वाला वारंट आपको इस फोन के अंदर प्रोवाइड कराया जाता है। एंड उसके बाद में दोस्तों आपको पता है MediaTek Dimensity वाला 7200 वाला एक चिपसेट जो कि दोस्तों 5G कनेक्टिविटी के साथ में स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाता है, वो भी यहाँ पे यूज कराया गया है। और यहाँ पे 388 की PPI AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है और 16 MP का फ्रंट कैमरा, जिससे आप अपने फ़ोटो को कैप्चरिंग या अपनी सेल्फी वगैरह यहाँ पर शॉट ले सकते हैं। तो कैमरेज की बात करें तो स्मार्टफोन में डुअल कैमरा मिल जाता है 64 MP का एंड +2 MP का यहाँ पे डुअल वगैरह मिल जाता है, हमें बताया 64 MP का मिल जाता है। तो यहाँ पे 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस फ़ोन के अंदर में प्रोवाइड कराया जाता है एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्मार्टफोन के अंदर निकली हैं। एंड ये बहुत आपने पता होगा बहुत सारे स्मार्टफोन तो स्टैम्प किया था स्नैपड्रैगन, फिर MediaTek Dimensity, बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं 5G हो चाहे यहाँ पे विदाउट 5G हो, बट यहाँ पे प्रो का यहाँ पे बहुत अच्छा वर्जन रहने वाला है आईक्यू का की तरफ से, आईक्यू जेड 7 प्रो 5G स्मार्टफोन की तरफ से। एंड ऑफिशियल ये स्मार्टफोन बजट प्राइस के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च होगा जो कि 28,000 से 35,000 के अराउंड में इंडिया में के मार्केट आपको देखने के लिए मिल जाता है।